खान की साली फर्स्ट टाइम हमारे घर पर आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है रियान की साली। जान मारती है इनके ऊपर। रियान के ऊपर? यस आई एम प्रोफेशनल। तू काला मैं गोरी घणी। जीजा तू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ही। सो गाइस ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी खूबसूरत व्हाइटनिंग क्रीम, वो भी डे वाले से। गाइस आज इतनी खतरनाक धूप निकल ली है ना, आंखें भी नहीं खुल रही है। किसी में बाहर निकलो ऐसा लगा जल जाऊंगा पूरा। तो मैं जल्दी से कमरे के अंदर आ गया, फिर मुझे ध्यान आई हमारी तो खूबसूरत क्रीम भी है। ये रही गाइस डे वाली क्रीम, ये देख सकते इतनी डेंजरस धूप निकल ली है। मैं जैसे बाहर जाने वाला था यहाँ पर, मैं भाई ऐसे भाई टिप 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 और ये टिप 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 पूरे मुंह टिप करके अपने फेस पर लगा लेता हूँ। अब मैं बाहर जाकर धूप में आराम से बिल्कुल खुले घूम सकता हूँ, धूप से बिल्कुल भी डर नहीं है। देखो गाइस मैंने पूरी अच्छी तरह से क्रीम लगा ली, बिल्कुल भी मेरे फेस के ऊपर दिख नहीं रहा कि हाँ मैंने क्रीम लगाई। गर्दन तक लगा ली क्योंकि गाइस गर्दन तक धूप पड़ती है तेज तेज से। मैं तो माशाल्लाह बिल्कुल पक्की हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा बर्थडे नहीं आज, तुम्हें नहीं पता क्या है तारीख है वो? हाँ तो इसलिए चलो 3 2 1 हैप्पी बर्थडे गांधी गांधी जी। आप जो 100 साल 2 अक्टूबर का गांधी जी का बर्थडे तो देख सकते हैं। तो मुझे खुद अब पता लगा था लोग दुनिया केक काट दो, गांधी जी की भी काट दो सिस्टर केक तुम काट दो। केक तो सही है भाई, पर आज एक बड़ी खुशखबरी और है। आज रिहान की साली घर पर आने वाली है। नहीं ना, तो यही तो बात है, वो कल गई थी तो आज रिहान की साली हमारा घर पर आएगी। फिर सफाई करनी फिर नाश्ता। अरे यार नाश्ता रहने दो, मैं बताऊँ वो तो ऐसे मिल रही हूँ कहीं जैसे कुछ काम सा रहे हैं तो वो एकदम फिर मैं आपसे मिलकर चले आऊंगी। जैसे आपसे रिहान का फैमिली से मुझसे नहीं हुआ। अरे साली यादी घर वाली। आई एम सॉरी बाबू। सॉरी सॉरी मैं कर सॉरी सॉरी सॉरी। आज आने वाली है साली तो रिहान देख लो गाइस का है। देखो 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 गाइस वो खड़ा होगा बाहर। खाने के अंदर बना रही है अम्मी सलजम पालक एंड गोश्त और ये वो सरसों का तेल। अम्मी यार ये कमी डालो तुम, इतना ज्यादा तर करते ना गाइस, सालन से ज्यादा तेल आ जाता है हमारे हाथ में। मैंने गाइस पूरी इसकी डिश ना बना रखी है पहले से, मैं तो एंड में पहुंचा था पर देखा यार बड़ी लजीज देख रहे हो गाइस, सरसों के तेल से ना लगी रौनक आ जाती है। तो गाइस आज आने वाली थी रिहान की साली, जैसे मैंने आपको बताया तो वो फाइनली बस आने वाली है 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आने वाली है। हाँ जी अम्मी आज कैसे एक्साइटेड हो? गई थी तो वो नहीं आई थी तो वो आ रही है, वो अकेली आ रही है गाइस। हाँ जी एक्साइटेड हो? तुम्हें क्या जानती है सिस्टर, तुम्हें भी जानती है गाय रिहान की साली फर्स्ट टाइम हमारे घर पर आने वाली है और ये देखो मेरी वीडियो बना रहा है। हाँ जी मम्मी एक्साइटेड हो? आ गई क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साली साली क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। ये है रिहान की साली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? पहले बता जब आपके कल घर वाले आए थे आप क्यों नहीं आई थी? मैं आ नहीं पाई थी, मैं किसी काम से गई थी। ओफो गाइस एक तरीके से मॉडल है। सॉरी है मॉडल ही हो आप? यस आई एम प्रोफेशनल। ओफो वैली भी ऐसी है क्या? रियान रियान जो आपकी सिस्टर है जिनसे रियान का रिश्ता होएगा वो कैसी है? वो बहुत अच्छी है। पर वो पूछ लीजिए बाकी आप। हाँ जी बता दीजिए, पर साली ज्यादा सही लग रही है तो वो भी अच्छी है। और ये भरेलू है इस बार घूमने वाली शादी। ओ इससे दूर रहना। दोस्त बनोगे मेरी? yes, हम घूमने जाया करेंगे। हाँ, और जाओगे घूमने? हाँ जाऊंगी। अरे कहाँ जाओगी तो बता दो। मनाली चले? हाँ, ये ले जाए मनाली चल रहे हैं। कश्मीर ले जाऊंगा मैं। सही है पक्का प्रॉमिस? कब चल रहे हो? तुम्हारा रिश्ता तो नहीं सिंगल हो? यस यस। भाई तुम्हारी शादी होने का मुंह ढक दियो जरा जल्दी से इन्हों का। अभी ना तुम वो हाँ अरे इधर बैठो भाई आप बैठो, मतलब पधारिए जल्दी से आराम आराम से। रिहान भाई बैठो, पानी फानी पिलाएंगे। बताओ क्या लाऊं खाने के लिए? हाँ अरे मैं ले आ रहा हूँ ना, मैं ले आ रहा हूँ जबरदस्ती है। और रिहान कौन ले? चलो आप बताओ किसके साथ जाओगे? मैं आ सकता अरे करने दो यार अम्मी। यार देखना नहीं ओ नहीं अरे नहीं मजाक कर रही है अम्मी, कोई बात नहीं डाल लो। हाँ ठीक है चल रहे हैं पक्का नेक्स्ट टाइम, अभी हम बता देंगे पहले।
कुछ बोल कर दिखाओ अपनी जरा, कोई अच्छी बात है, डायलॉग आता है आपको कोई सा? बहुत कुछ आता है, सुनाओ तो। नहीं बोल सकती। ये हिप्नोटाइज से थोड़ा बाद में बोलेंगे। हाँ गाय, अभी थोड़ा घर वालों के लिए कंट्रोल से। गाय रिहान की साली आई है आज हमारे घर पर फर्स्ट टाइम। हाँ बेटी साली के बराबर में कोई डाल लो। गाय इतनी ज्यादा आ नहीं पाई थी अपने शूट्स की वजह से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी ये हेयर स्टाइल हो माशाल्लाह बड़े बड़े बहुत ज्यादा। वो तो जान मारती है इनके ऊपर, जान के ऊपर। ओ ऐसा क्या देगा इसके अंदर जो कुछ पर्सनल टाइम कुछ बताओ तो। दिल दिल अच्छा बॉडी तो नहीं देख ली, भाई साहब दिखा दो, सिक्स पैक देखोगी? आठ सिक्स पैक तो भाई, आठ दिन जिम करा फिर जिम छोड़ दिया है साली के पास पेट तक ही नहीं है। ओ एक बार वन मोर, एक गाना गा दो जीजू के ऊपर। ज्ञान की साली एक गाना सुनाना चाह रही करी मैं, बहुत ही ना बहुत ही दिन से याद करे तो आज याद कर लिया। चलिए 3 2 1 स्टार्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ भाई फिर तो तुम मारोगी इसे। यार ऐसी बात मत करो यार, क्रीम लगा के गोरा हो जाएगा। नहीं हम खुद कर देंगे। क्या लाया सीरियस? ओहो तो चलो अब द्वारा जीजा तू गोरा। अब एक और गा दो। हाँ चले गाय गाय। ओ अब तो गुस्सा हो गया, मन में लड्डू फूट रहे हैं इसके। कोई रिएक्शन दो। अरे शर्मा रहे हैं तुमसे, तुम इनके घर पे शिकायत मत करना अपनी बहन से। हाँ हाँ दो कॉल आ गया, तुम्हारी बहन की कॉल होगी, चेक कर लो चाहे देखो है ना। चलो भाई रिहान की साली से मिलकर हमें काफी अच्छा लगा। देखो भाई हमें मिल रही, रिहान मिल रही, ओगर भाई मिल रही, सिस्टर भी मिल रही है, काफी इनसे अच्छा लगा। अब आप लोग ये बताओ कमेंट में कि इनसे साथ घूमने जी आप चलोगी? yes. पक्का खूब इंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है? डांस करोगी आप? mm-hmm. कौन सा गाने पर? मैं ना आगी ना आगी मैं अपने गा रहा हूँ ना, मेकअप उतरा निकली असली कर लो रे। एक बार नहीं, इनके मेकअप नहीं, मेकअप नहीं आया तो इनकी कातिल अदाए। भाई भाई तुम भी गाते एक गाना। हाँ ये तो पिटेंगे बा जब ही आएगी कौन। शायरी सुन रही है। शायरी चलो भाई शायरी सुना दो। देखा है जब से तुझको। के लिए शायरी होनी चाहिए। चलो हाँ ये सही है, सुना दो यार अभी। भाई अबे शायर तो भाई जब मर्जी हुआ शायर। चलो अर्ज करते ओ पहले ना जरा 2 मिनट वो फोन में से याद कर लेते हैं, उसके बाद सुनाएंगे यार शायरी भी सुनेंगे रिहान की साली के लिए। और गाइस रिहान की साली का नाम है माहिरा। ओए होए शर्माओ क्या हो तुम, कास्ट क्या है आपकी? पठान। ओ भाई तूने जो पठान मेरी। अरे मजाक कर रही हूँ, वो अंसारी है, वो तो हमें पता थी, वो मजाक कर रही थी। हमें झूठा को ऐसे फंसा रहे हो? अरे नहीं नहीं अम्मी, और तूने जो पठान मेरी जान। एक गाना लगाते इस पर, ये ना भाई बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके, कुछ भी नहीं बोल रहे। आंटी क्या क्या बोलती बंद हो गई। ओ अम्मी क्यों मार फाल लगा रही है? अरे ऐसा नहीं भाई, याद कर ली शायरी? भाई भी सिस्टर शायरी निकाल ली उसका। चलो भाई हम मजाक कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा रियान की साली से मिलकर। अब ये जा रही है, अभी इन्हें नाश्ता वास्ता करा के घर पे चलाएंगे। ओके जी माहिरा 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 शर्मा है ना, तो वही निकल रहा है मुझसे। माहिरा से मिलकर काफी अच्छा लगा। अब आप लोग डिमांड करना भाई माहिरा के साथ और ब्लॉग्स आने चाहिए, ठीक है माहिरा जी? ओके बाय अल्लाह हाफिज़। ये दोनों भाई आ रहे हैं और ये भाई मुझसे कम से कम आधा घंटा हो चुका वेट करते करते। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर और मेरी सारी वीडियो देखते हैं। कैसे लग रहे हैं तुम्हें बताओ? अब बोलो बस बढ़िया। अब तो कुछ क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जुनेद। जुनेद तेरा नाम? अयान भाई। जुनेद भाई ठीक है जुनेद भाई, अब व्लॉग में आके हैप्पी रहो, अब व्लॉग शेयर कर देना। छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने अपने पापा से शर्त रखी थी कि अगर अरमान भाई से नहीं मिला पाए तो 1000 रुपए इनाम है ना, पर अब तो मिला लिया। तुम तो अपने पापा हो, बोलो। अब नहीं बोल ली पर चलो खुश तो हो गई। हाँ भाई जी देखो दोनों जुड़वा बहन आ रही है। बहन हो तुम? क्या नाम है आपका? खुरेजी साई है। क्या नाम है? मेरा अनाविया। और तुम्हारा? अनाविया। अरे वाह जी वाह, तो ये तुम सेम कपड़े पहनते हो? अरे बहुत ही अच्छा लगा। और ये भाई भी था आपका सारा भाई? भाई चलो भाई बहुत ही बढ़िया लगा। और इनसे अच्छा लगा, ये डेली व्लॉग देख रहा है 4 साल से बता रही है। 4 साल से डेली देखते हो? अरे बस यही तो चाहिए, बस मेरे देखते रहे ना, और सिस्टर का भी देखना, रियान का भी देखते हो? अरे शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे देखते रहना। इनकी साली गाइस घर पे चल गई, वो यार इतनी खतरनाक साली निकली रिहान की, तो भाई वो इतना खतरनाक बोल रही, होए होए इतना ज्यादा खुश हो चुकी ना वो हमसे मिलकर। हमारी अम्मी भी शोक हो चुकी थी,
है तुम्हें कैसा लगा रिहान की साली से मिलकर? मतलब सीधे सारे इंसान का जमाना नहीं है, मुझे सही लगी चटपटी ऐसी। मैं रिहान की चाहती हूँ खूब तेज आना। अब रिहान की अच्छा तेज चाहिए लड़की? हाँ। तो ये तो साली तेज है। हाँ, नहीं साली भी तेज चाहिए, रिहान की घरवाली भी तेज चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तेज बहुत अच्छे लगते हैं। चलो सही है, तुम तेज ही करो, है ना। बाय बाय अभी नगाई रिहान और मैं अबू बकर और एक दोस्त होएगा तो अगर उन्हें भी ले आऊंगा, नहीं तो फिर मैं अकेले चलता हूँ। और कहाँ पर जा रहे हैं आपको अभी पता लगता रहेगा। चलो गाइस घर से निकल चुके थे और अभी हम जा रहे हैं। भाई किधर जा रहे हैं, कुछ लोकेशन चॉइस करी? तुम बताओ कहाँ जाना। मैं यार मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ गाइस, पूरी दिल्ली में तो हम घूमे हुए हैं, अब बाहर बची हुई है भाई इंटरनेशनल ट्रिप कर लो तो बताओ। मैं बताऊँ वहाँ पर लोकेशन? दुबई निकल लो। दुबई नहीं यार, कार नहीं आएगी ना वहाँ से, तो फिर फ्लाइट से आएगी, अभी वीजा भी बनवाना पड़ेगा, पासवर्ड बनवाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा झंझट है ना चीज की। तो अरे कार से चल दुबई? अरे नहीं यार, समुद्र में कूदानी पड़ेगी या तो आसमान में उड़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो भाई दिक्कत नहीं, अभी ले चलते भाई लोगों को एक अच्छी जगह पर। रिहान कितना अच्छा व्लॉग आने वाला है ना। रिहान भाई तो कोई स्पेशल पर्सन मिलने आ रहा है, वो गाइस रिहान का व्लॉग में देख लेना जाकर, आराम से पता लग जाएगी गाइस कौन रिहान से मिलने आ रहा है। मेन चीज तो हम रिहान की वजह से जा रहे हैं। अभी रेड लाइट हो रही थी 6 5 4। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, हो गई रेड लाइट खत्म। भी आ चुके हैं गाजियाबाद में घूमते घूमते, और यहाँ पर हमारे भाई बहुत सब्सक्राइबर आते हैं मिलने, तो वो कहते हैं भाई जब भी आओ मुझसे मिलकर जाओ। अब भाई बताओ कैसे मिला इंसान, मुझे रास्ता ही नहीं पता ना किसी को जानता, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, जब भाई लोग ऐसे कहते हैं मिल गया ना तो मुझे जब भी अच्छा लगता है भाई, कोई बंदा आ रहा है ऐसे कह रहा है तो बस थैंक यू। बे यार गाय हमारे साथ इतना बड़ा एक पोपट हो चुका है, हम जा रहे थे गाजियाबाद में आइसक्रीम खाने, मैं आ गया वो तो आ गया, पर गाजियाबाद मेन लाइन ही चली रही थी तो मैंने ना कुल्फी वाले की दुकान ध्यान नहीं रही, गाने फाने भरे तो बिल्कुल ही ध्यान से निकल चुकी, मैंने यूटर्न मार लिया, मैं सोच रहा आगे चला गया, अब हम आते रहे आते रहे, अब यार फिर अपनी तरफ आ चुके। वो अगर यार तुमने बताई नहीं मुझे, मालूम था मुझे, पता तू आइसक्रीम खाने यार। यार तुम तो यार हमें क्या करेंगे, मेरे द्वार से प्लान कैंसिल हो चुका, अच्छा खासा वहाँ कुल्फी खाते हैं, दूसरी आइसक्रीम खा लेंगे। अभी हम चलते हैं मॉल, मॉल में तो चलना ही पड़ता है क्योंकि रिहान भाई कभी कह रहे हैं भाई वहाँ चलो, कोई कह रहा है कुछ करो, कभी कॉल पे बात करता है, नहीं क्या हो रहा है, अबे हो क्या रहा है, मुझे पक्की तो वो बता दे कंफर्म। लो भाई बस मॉल मॉल कर रहा, चलो कोई नहीं सर मॉल भी ले चलते हैं इसकी, देखते हैं वहाँ पर कौन आने वाला है आज इससे मिलने, जो मॉल गा रहा है बहुत देर से, बस 5 मिनट के अंदर मॉल में पहुंच जाएंगे। मॉल में आ रही है हमारी सलज। सलज? ओहो सलज का मतलब क्या होता है, वैसा इंग्लिश में बताना। वाइफ? अच्छा नहीं मैं नहीं मानता भाई, साली तो कल मेरे हमारे घर आई थी यार, तो इसकी साली हमारी भी आजी घर वाली। रेंद भाई साली व्लॉग देख रही ना, आने छोड़ देगी बेदखल हो जाएगी। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, मजाक मस्ती मजाक मस्ती वाली बात करते हैं गाइस, हम ऐसे नहीं है, सीरियस नहीं लेना गाइस कोई भी। अभी मॉल के अंदर आ चुके थे, अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट थर्ड उस पर फ्लोर पर, क्योंकि हमें वहाँ से ना मूवी का टिकट देखने, अगर हमें एक मूवी लगी अगर वो हिंदी में लग रही होगी तो वाले मूवी देख लेंगे, तो थर्ड एक और आ चुके हैं ना। हाँ थर्ड पे आ गए, चलो चलो। कोई प्लान नहीं था मॉल में आने का, देखो गाइस जैसी हालत होती है चप्पलों में, नो भी चप्पलों में सब चप्पलों के अंदर आ चुके हैं, बात से आदमी है कैसे आ सकते हैं चप्पलों से, नंगे पैर और बिना गंदे कपड़ों के, बिना कपड़ों के ज्यादा हो चुका है ये तो। ओए होए आज तो मॉल में हलचल हो रही है, ये चेक करो, होए क्राउड हो रहा होगा ये तो थोड़ा बहुत, और अच्छा सा लग रहा है देखने के अंदर। हमें जाना है वेलकम टू मूवी मैक्स, अभी यहाँ से एक फ्लोर ऊपर जाना है, और अगर भाई बना रहे हैं अपनी शॉर्ट तो भाई इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत दिनों बाद ही अपनी शॉर्ट बना रहे हैं, पता नहीं भाई इतना हलकस क्यों कर रहे हो भाई, डेली शॉर्ट डाला करो, एक शॉर्ट भाई के 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, भाई ने की थी पार्टी दूंगा ना, भाई ने पार्टी दी हमें, 1000 की पार्टी होने दी भाई तुमने, इंशाल्लाह 1 लाख की देंगे। रियान भाई फिर तुम्हें कितने दिन, तो 1 मिलियन की रियान भाई 1 मिलियन की देंगे, तो गाइस इनका तो बहुत लंबे लंबे नंबर है। चलो कोई नहीं, तुम्हारे भाई का 2 लाख हो गए, मेरे 5 लाख करा दो, मैं इन सबको पार्टी दे दूंगा, सही है ना भाई, तुमने तो अपने नंबर 1 मिलियन करा दो, मैं सबको फ्लैट फ्री दूंगा, फ्लैट चलो मैं करा रहा हूँ जाओ, पर मुझे चाहिए दुबई में फ्लैट है, वो भी 500 करोड़ का, 1 मंजिल है भाई, तो बेसिक करना बेकार है, अब मूवी का जल्दी से अंदर ही चलते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर मूवी जोकर पन्ना, ये पूरी की पूरी इंग्लिश में है यार, हमें इंग्लिश बताओ कैसे समझ लेगा इंसान, और एक आधी वाली लग रही थी, ये देवरा लग रही थी, पर ये वाली इन्होंने पहले ही देख लिया, सिर्फ मुझे जोकर देखनी थी, यहाँ पर भी एक दिल टूट गया छोटा सा हमारा, पूरी कहानी पता है, ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, अच्छा ये दुश्मन सैफ अली खान, और ये कौन है, ये पता नहीं, ये होती है निब्बी, भाग लो भाग लो। जानवी कपूर मेरा व्लॉग देख रही हो? हाँ, वो देख रही है। भाई इनसे फोटो मत खिंचवाना, गए कहीं भी दिखे ठीक है ना भाई, छोटे लोग बड़े लोगों का व्लॉग नहीं देख पाते। ओफो।
भाई अभी आ चुके थे बर्गर खाने के लिए, तो यहाँ पर देखो गाइस अभी हमने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर दिया। मैं नहीं खा रहा हूँ भाई, रियान भाई के लिए और वो बकर भाई के लिए लिए हैं। तो भाई दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं बर्गर से हैवी अभी हो रहा है। और यहाँ पर ना गाइस कुछ देखो भाई डीजे फीजे लग रहे हैं, आई थिंक ना कोई डांसर आने वाला है या सिंगर आने वाला है, पर ना आज तो होएगा नहीं गाइस, ये ना कल होएगा। पर मैं सो आज हो जाता ना गाइस यहाँ पर चेयर पे बैठ के और आराम से खाते हैं। और एक बार ये दिखा दूंगा गाइस कितना देखो छोटा सा इनोका ये है, और ये बर्गर का ऐसा लग रहा है बहुत ही क्लासिक फील दे रहा है, मतलब बर्गर ना अच्छे होंगे यहाँ का। ये दो बर्गर आ चुके गाइस, दो बर्गर लेने के लिए ना 2 घंटे लगा दे। लीजिए भाई ये तुम्हारा एक बार मुझे देखना गाइस, इनने जैसे 2 घंटे लगाए बर्गर के अंदर, इतनी देर में इसके अंदर ऐसा हो सकता क्या है? अनबॉक्सिंग तो कर ही सकता हूँ। ये बर्गर है, उसके अंदर एक टिक्की लगा दी और भाई टमाटर रख दिया, तो ये 2 घंटे में बर्गर दिया है। पर यार सॉफ्ट बहुत है। चलो कोई नहीं, चलो भाई इंजॉय करो पेट भर के। कॉम्बो मांगा था, अबे चल अब खा ले जो मिल गया। मैंने अपने लिए बनवा लिया यहाँ पर वनीला वाली एक सॉफ्टी, क्योंकि चॉकलेट ली थी पर चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी तो वनीला वाली ले ली। क्यों तो गाइस ये रही है, चेक करो है। उससे का भाई पहले एक बर्गर का कॉम्बो दे दो, उसको वाला कॉम्बो नहीं मिला। बर्गर का कॉम्बो नहीं, चॉकलेट वाला कप था वो मांगा था, वो कह रहा भाई आपको सब में ऊपर फ्लोर पे आना पड़ेगा। नहीं मैंने कहा भाई यही दे दो, अपने यही खा लेंगे, इतने ऊपर कौन जाए। देखो बेटा ये देखो बेटा, कभी खाई है तुमने एक आइसक्रीम वो भी ठंडी? अब यार मैंने मांगी था चॉकलेट थी पर चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी, क्या करें भाई, मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी आज वैसे भी हैप्पी बर्थडे गांधी जी का, हैप्पी बर्थडे गांधी जी, तुम्हारा जन्मदिन की खुशी में केक काटता हूँ। मजा आ गया। चलो भाई फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, बहुत भाई इतने आए, थोड़ा बहुत हमने कुछ खाना पीना तो था नहीं, जो सीन था हो गया। और गाइस बस यहाँ पर ना हमारी जो कार का डेंट आया हुआ था ना, ये वाले भी डेंट अब निकलवाने जाते हैं, फिर पता नहीं अब क्यों नहीं गए। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस होगी, आई थिंक कल जाएंगे अब सर्विस कराने के लिए। पर ये वाला डेंट ना गए, उनने हमने पूछ लिया था, वो कर भाई हथौड़े ठीक हो जाएगा, और जो कलर हटा है ना हल्का सा ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलो गाइस बिस्मिल्लाह, और अभी हम गाना बजाएंगे कार के अंदर, कोई पत्थर से ना मारे। अबे नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, उम्र हासिल है। गाइस अगर मैं व्लॉगर ना होता तो क्या पता मैं सिंगर होता, वाह वाह वाह। सिंगर ना होता तो मैं व्लॉगर ही होता, व्लॉगर ही होता। जलेबी भाई आहा, मेरे दीवाने को पत्थर से मत मारो, ईंटों से मारो, ईंटों से। भाई बस यहाँ से एक चिप्स ले लिया, पानी की बोतल है, वो सॉरी नमकीन ले लिया, मैं नमकीन को लेकर आराम आराम से खाते रहेंगे और सीधा बस घर पहुंच जाएंगे अब डायरेक्ट। चलो भाई अब बोल देता हूँ जल्दी से कमेंट। तो फर्स्ट कमेंट है अमन सेफी, तुम्हारे व्लॉग बहुत इंटरटेनमेंट वाले लगते हैं भाई, अरे थैंक यू। नाजिया खान, वेरी गुड व्लॉग, आपके बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो आपकी फैन हूँ, अरे थैंक यू जी। ये आई एम हिंदू बट आई लाइक योर व्लॉग, मैं रोज आपके व्लॉग देखती हूँ, मेरा नाम नेहा है। ओके जी नेहा जी, शुक्रिया, ऐसे व्लॉग देखते रहो एंड सपोर्ट करते रहो मुझे। तो चलो भाई आपको आज की वीडियो जैसे अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।